गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स। जैसे कि हमने कल आपको एजुकेशन का वीडियो भेजा था, जो हमने इनको LKG में ऑलरेडी ज्वाइनिंग जब हमने सिखाई थी, तो कुछ हमने एजुकेशन वर्ड्स 27 थे वो जो करवाए थे, उस पर हमने जो साउंड्स अब करवाई है, जैसे A, E and I हमने करवाई है, वही वाले हमने 2 जो लेटर्स वाले हमने कल आपको किया था कि हम रिवाइज करें। तो आपने सब ने किया, आई होप आप सब ने किया होगा। अब देखिए एक मैजिक हम आपको बताते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ AMM, राइट। देखो अब M के स्पेलिंग तो आपको आते हैं, इसके आगे हमने अगर J लगा दिया तो ये क्या बन गया बच्चों, जैम। क्या बन गया, J A M, जैम। और बड़े ध्यान से सुनिए, ये आपको डिक्टेशन वर्ड्स पेपर में भी आएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, जैम। चलिए अब जैसे हमने आपको एक डिक्टेशन वर्ड लिखाया था N, देखिए AN N। अब देखिए इसके पीछे हमने लगा दिया T, तो ये क्या बन गया, आंट। क्या बन गया, आंट। जैम तो आपको पता क्या होता है, जो आप ब्रेड के साथ फ्रूट जैम खाते हो ना, बड़े यमी यमी ढंग से, हाँ हाँ मज़े आ गए, है ना, वो वाला जैम। और ANT, आंट, ये क्या होती है, चींटियाँ। आपने देखी है चींटी, देखी है बच्चों चींटी, देखी है ना आपने, ब्लैक ब्लैक कलर की, है ना, वो वाली आंट। चलिए अब आपका एक वर्ड हमने सिखाया था आपको एट, देखिए क्या स्पेलिंग थे एट के, AT, एट। अब देखिए जो एट है उससे कितने सारे मैजिक वर्ड्स बन जाते हैं, इसके आगे सी लगा दिया तो ये बन गया कैट, कैट मैंने बिल्ली। फिर से हमने एट लिखा और इसके आगे लगा दिया आर, तो ये क्या बन गया बच्चों, रेट, RAT, रेट। JAM, जैम। ANT, आंट। CAT, कैच। RAT, रेट। अब आगे देखिए, ऐसे ही हमने एक मैजिक वर्ड लिया ही, ही के स्पेलिंग भी आपको आते हैं, HE, ही। इसके आगे हमने लगा दिया S, S लगने के बाद क्या बन गया ये, शी, SHE, शी। शी किसके लिए लगता है हमेशा, लड़की के लिए और लेडीज के लिए, क्या लगता है, शी, क्या लगता है, शी। और ही किसके लिए लगता है, लड़कों के लिए। तो चलो अगला था हमारा आपका IT, क्या था बच्चों, IT, इससे बन गया आगे, हमने आगे लगा दिया S, तो क्या बन गया, सिट। आपकी मैम बोलती है ना सिट डाउन, ये वो वाला सिट है, मतलब बैठना, क्या होता है मतलब सिट का, बैठना। चलिए अब अगला देखिए, अगला स्पेलिंग था हमारा AS, था ना, और इसको देखिए हमने एक और S लगा दिया इसके आगे, तो ये क्या बन गया, एज। एज का मतलब क्या होता है, गधा, ठीक है, ये वो वाला है। चलिए आगे अब देखिए आप WEW, वी के स्पेलिंग आपको आते हैं ना, वी का मतलब होता है हम, जब हमें हम आप बहुत सारे जने होते हैं तो हम बोलते हैं वी। जैसे आपको मैं पूछती हूँ ना क्लासरूम में, हाउ आर यू, तो आप सब बोलते हो वी ऑल आर फाइन। वी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे होते हो, आपके फ्रेंड्स भी उसमें शामिल होते हैं, इसलिए वो क्या बन गया, वी। अगर आप सिर्फ अकेले आप आंसर देते हैं तो बोलते हैं आई एम फाइन, थैंक यू, आई मीन्स मैं ठीक हूँ, ठीक है। चलिए वी किसके लिए होता है, बहुत सारे जगह। चलिए नेक्स्ट, वी में अगर हमारा लग गया बेटा टी, तो ये क्या बन गया, वेट। वेट का मतलब तो मुझे लगता है सबको पता है, मैडम ने क्लासरूम में भी बताया था, जल्दी से बताओ, मुझे पता है बताया था, बताओ नहीं आता, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना क्या हो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा इन, IN, देखो इसके आगे W लग गया तो क्या बन गया ये, विन, WIN, विन। विन का मतलब क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ, जब हम किसी चीज़ को जीतते हैं, आप बोलते ना हो मेरा कंपटीशन था, मैं तो विनर हूँ, मैंने विन कर लिया, तो वो वाला मैंने। चलिए अगला देखिए, IT, इट।
ITT यहाँ भी था, ठीक है। हम फिर से आपको फिर से सिखा रहे हैं, इसके आगे लग गया के, तो ये क्या बन गया, के आई टी किट। किट पता काम क्या होता है बच्चों, जो आपकी पेंसिल की किट होती है ना, जिसमें आप जिपर होता है, पेंसिल रखते हो, वो वाली किट। चलिए ऐसे ही एक वर्ड हमारा इज, आई एस इज, और इसके आगे हमने लगा दिया एच, तो ये क्या बन गया बच्चों, हिज, एच आई एस हिज। आपको पता है हिज किसके लिए लगता है, बताते जो एच ई हर होता है ना, एक होता है एच ई से भी बनता है, वो हमने अभी नहीं सिखाया। हर लगता है लड़कियों के लिए, हिज लगता है लड़कों के लिए, ठीक है। तो हिज हमेशा प्रयोग होता है बॉयज और जेंट्स के लिए। तो ये देखिए, ये हमारे टू जो लेटर्स वाले ज्वाइनिंग डिक्टेशन वर्ड्स थे, उससे ही हमने आपको इजी करके ये सब बनाया है। जो पेपर होगा उसमें आपको टू वाले भी आएंगे, थ्री वाले भी आएंगे, और अब हम इससे रिलेटेड आपको कुछ कल परसों में चार वाले सिखाएंगे। तो डू प्रैक्टिस एट होम, बाय बाय, टेक केयर।